श्रीकाल, नमस्ते, राम राम। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का आपके अपने न्यूज चैनल वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज में। दोस्तों, देश विदेश से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाकर, ताकि इन्फॉर्मेशन सीधी आपके फोन तक आ पहुंचे। आज बात करेंगे बॉस्निया के बारे में। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोगों की मेल्स हमारे पास आ रखी थी, उसके बाद कुछ वैकेंसीज और एक बड़े ऐलान बॉस्निया की सरकार की तरफ से भी किए गए। दोस्तों, बॉस्निया में लेबर की बहुत सारी शॉर्टेज है। इस वीडियो में बात करेंगे कि वर्क परमिट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बॉस्निया में। यह कौन सी कंट्री है? दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी कंट्री में अप्लाई करने से पहले आप लोगों को उसका सारा भौगोलिक, उसकी सारी स्टडी R&D करने के बाद आप लोगों के समक्ष हम लोग लेकर आते हैं पूरे तथ्यों के साथ। और दोस्तों, एक विनती करना चाहूंगा, सबसे पहले तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाद में रिप्लाई आता है कि सर, वो वीडियो का लिंक आप हमें शेयर कर दीजिए, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो इसकी वजह यह है कि आपने बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पे जाके हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वहां पर आती है, उसके बाद यूट्यूब पर डाली जाती है। दोस्तों, बॉस्निया एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी नेबर कंट्रीज की बात करें तो सर्बिया इसकी नेबर कंट्री है, क्रोएशिया इसकी नेबर कंट्री है, और इसे बाल्कन कंट्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाल्कन कंट्रीज जहां 3-4-5 कंट्रियों को मिलाकर ये एक समूह बना था, परंतु बाद में यह अलग अलग हो गई। जैसे यहाँ एशिया बोला जाता है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश को, वैसे ही इन्हें बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है, और इन कंट्रीज के समूह को बाल्कन कहा जाता है, परंतु सर्बिया, क्रोएशिया, इटली, स्लोवेनिया, ये कंट्रीज जो है इस एरिया में आती है, क्षेत्रफल में आती है, और इसी का एक पार्ट है बॉस्निया। इसका दूसरा नाम है दोस्तों हर्ज़ोगोविना। तो ये जो कंट्री है, ये डिवाइड हुई, अलग अलग देशों में बढ़ गई, और सर्बिया अलग हो गया, इससे क्रोएशिया अलग हो गया, बाद में बॉस्निया एक अलग कंट्री बन गई। दोस्तों, बहुत सारे लोग जानते भी इसके बारे में जो यूरोप में ट्रैवल करते हैं, यूरोप में जाके काम करना चाहते हैं। इस कंट्री के बारे में आज बात हमने क्यों करी, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, परंतु इसकी इन्फॉर्मेशन का एक एक तथ्य पर आधारित होगा, इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव है, ये मैं आपको शर्त के साथ कहूंगा, तो कान के पर्दे खोलकर बिना स्किप हुए पूरी वीडियो को देख लेना। दोस्तों, इस कंट्री की कैपिटल के बारे में बात करूं, जिस कंट्री की जो कैपिटल है वो है सारेजेवो। अच्छी कंट्री है ये, एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा आ रखी है, क्योंकि यहाँ पर लेबर की शॉर्टेज सारे साल रहती है। और इसकी अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, 19,767 स्क्वायर मीटर, यानी कि 51,157 स्क्वायर मीटर का क्षेत्रफल यहाँ का है। अलग अलग एरियाज में लगता है ये, अलग अलग भागों में लगता है, एक साइड सर्बिया, एक साइड इसके क्रोएशिया, बीच में बॉस्निया। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर 3-4 तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। बॉस्नियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्रोएशियन जिन्हें आती है वह भी यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, सर्बियन जिन्हें आती है वह भी यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, और इंग्लिश तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती है। दोस्तों, और रिलीजन की बात करें तो 30.7% यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कैथोलिक रिलीजन यहाँ पर है, और रोमानियन कैथोलिक यहाँ पर 15% है, मुस्लिम यहाँ पर 55% यहाँ पर अपना दबदबा रखते हैं, और 55% यहाँ पर मुस्लिम की आबादी यहाँ पर है। तो जो लोग गल्फ में बैठे हैं वह लोग भी यहाँ पर अप्लाई करके जा सकते हैं। वर्क परमिट है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ 3 तरीके जाने के, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा और वर्क परमिट, चॉइस इज योर्स, आपको किस तरीके से यहाँ पर जाना है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की जो है, अगर मैं बात करूं लिटरेसी रेट है दोस्तों, 95% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, यानी कि एजुकेटेड है। और मैं हमेशा कहता हूं, जहां पर एजुकेशन का स्तर ज्यादा होगा, जिस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा होगी, वह देश तरक्की की ओर जाएगा ही जाएगा, वह देश तरक्की करेगा, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति ही, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सभ्य समाज की स्थापना कर सकता है। इकोनॉमिक GDP की बात करें, मैं हमेशा कहता हूं, हर एक देश में, जिस भी देश में आपने अप्लाई करना है, उसकी इकोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, GDP की बात करें, 47.05 बिलियन USD की GDP है, और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार है। कैसे रोजगार है? क्योंकि यह देश किस किस चीजों की खेतीबाड़ी करता है, कहते हैं ना, जिस देश का किसान अमीर होगा वह देश अपने आप अमीर बन जाएगा, जिस देश का किसान सुखी होगा वह देश अपने आप तरक्की की ओर जाएगा, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, परंतु फिर भी किसान आत्महत्या करता है, शर्म की बात है दोस्तों। परंतु इस देश की खासियत यह है, यहाँ पर किसान आत्महत्या नहीं करता है, सरकारें यहाँ पर सपोर्ट करती हैं किसानों को,
एग्रीकल्चर के प्रति यहाँ की सरकार की नीतियां बहुत अच्छी है। तो सीधा सीधा यहाँ पे बता दूं, एग्रीकल्चर की यहाँ पे जॉब्स बहुत सारी निकलती हैं, लेबर जॉब्स यहाँ पे निकलती हैं। मिल्क प्रोडक्शन की यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए डेयरी फार्म वाले भी यहाँ पे जा सकते हैं। वेजिटेबल की बहुत अच्छे लेवल पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, पोटैटोज की यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे खेती बाड़ी है, व्हीट, एप्पल्स, बार्ली, कैबेज और पोल्ट्री फार्म का यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे काम है। तो समझ सकते हो इनसे जुड़ी जॉब, इनसे जुड़े व्यवसाय में जो लोग सम्मिलित हैं, जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर गल्फ में, वह बॉस्निया में अपना सिक्का जमा सकते हैं, बॉस्निया में अप्लाई कर सकते हैं। आगे आते दोस्तों, यहाँ पर अगर आप काम करने के इच्छुक हैं तो सबसे पहले सवाल लोगों का कि सर यहाँ पर सैलरीज क्या रहती हैं या क्या यह कंट्री सेफ है। तो उससे पहले एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, जिस देश में संसाधन होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत सारे, जंगलों से घिरा एक देश है, जहाँ पर जंगल होंगे, जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन होंगे, वहाँ पर प्रोडक्शन होगी, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाएगी और जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ पर जॉब की भरमार रहेगी। कोल इंडस्ट्री यहाँ पे है, आयरन इंडस्ट्री यहाँ पे है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर है, कॉबल, मैगनीज, सॉल्ट एंड टिम्बर वुड इंडस्ट्री यहाँ पर है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बात है, यहाँ पर लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, अलग अलग देशों में लेबर यहाँ पे काम करके आती है। स्टील इंडस्ट्री की बात करूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूँ, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे है। उसके बाद बिजली की प्रोडक्शन यह करता है, इलेक्ट्रिसिटी वालों के लिए जॉब यहाँ पर है। $6.8 बिलियन की इकोनॉमी है इसकी दोस्तों, जो सिर्फ और सिर्फ काम कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, अलग अलग देशों को बिजली सप्लाई कर रही है, लेदर सप्लाई कर रही है, फिशिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है, शूज इंडस्ट्री में काम कर रही है। ये सारा पैसा जनरेट करती है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करके। इसके ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, किन किन देशों से व्यापार कर रहा है, तो बता दूं जर्मनी यहाँ पे 14% ट्रेड कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, इटली को यह एक्सपोर्ट कर रहा है 12%, क्रोएशिया को 11%, सर्बिया को भी 11%, ऑस्ट्रिया 9%, स्लोवेनिया 8%, और भारत के साथ इसके संबंध बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। तो अगर भारतीय यहाँ पे अपना सिक्का आजमाना चाहते हैं तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे आते हैं क्राइम रेट के बारे में, जिस देश में कानून व्यवस्था साफ सुथरी होगी, लोग ईमानदार होंगे, वह देश तरक्की की ओर अग्रसर करेगा। क्रोएशिया की बात करूं या बोस्निया की बात करूं, बोस्निया में क्रोएशिया के मुकाबले क्राइम रेट बहुत ही कम है। बोस्निया एक सेफ कंट्री है ट्रेडिंग के लिए, बोस्निया एक सेफ कंट्री है काम करने के लिए, बोस्निया एक सेफ कंट्री है वर्क परमिट के लिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यहाँ पे कितनी सैलरीज हैं और किस प्रकार की जॉब्स हैं। जॉब्स की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर जो सैलरीज हैं और सेक्टर्स हैं, टूरिज्म सेक्टर की यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है। बोस्निया के बारे में मैंने आपको बताया, अनस्किल्ड लेबर की यहाँ पे जो सैलरीज हैं 650 यूरो यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर कमा रहा है, और यहाँ पे स्किल्ड लेबर को 850 यूरो सैलरी भी मिल जाती है। डिपेंड करता है आपकी काबिलियत क्या है। मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे जॉब्स 5 वर्किंग डे रहती है, उसके बाद आप ओवर टाइम अगर करते हो तो डबल सैलरी आपको मिलती है ओवर टाइम के 2 दिन की। और अगर मंडे टू फ्राइडे आप 8 घंटे की जॉब या 9 घंटे की जॉब करते हो, उसके बाद अगर आपसे एम्प्लॉयर काम करवाता है तो आपसे 1.5 यानी 1.5 गुना सैलरी का आपको ओवर टाइम वहां पे वो देगा, देना पड़ेगा। यहाँ की लेबर मिनिस्ट्री का रूल है, मंडे टू फ्राइडे जॉब रहती है। अकोमोडेशन की बात करूं, मोस्टली एम्प्लॉयर यहाँ पे अकोमोडेशन आपको देते हैं, टिकट आपको खुद खरीदनी पड़ेगी, हर एम्प्लॉयर यहाँ पे टिकट नहीं देता, मैं क्लियर आपको बता दूं। और यहाँ पे दोस्तों हफ्ते में 40 आवर्स पर वीक कैंडिडेट काम करता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इनकम है वो आपको ओवरटाइम के तौर पे मिलती है। जॉब की बात करो दोस्तों, यहाँ पे कारपेंटर की वैकेंसीज है, यहाँ पे दोस्तों लेबर क्लास की बहुत ज्यादा जॉब्स है, कंस्ट्रक्शन का ये हब है बोस्निया, तो जहां कंस्ट्रक्शन की डिमांड होगी वहां पर लेबर कैटेगरी का बंदा जाएगा। इतना ज्यादा यहाँ पर पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है आपके पास, 10वीं पास होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश स्किल्स होनी चाहिए, और अगर आप गल्फ में काम कर चुके हैं तो आप भी अपने सीवी भेजिए, डिमांड हम आपको बताएंगे किस किस चीज की डिमांड आ रखी है। इसका खर्चा भी आएगा, क्लियर आपको बता दूं, क्योंकि ये काम हमारी ओर से नहीं आ रहा, वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज जो काम करता है वह आपको कोशिश करता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वैकेंसी दे, परंतु ये जो काम आ रखा है ये थर्ड पार्टी के एम्प्लॉयर की तरफ से आ रखा है, वहीं से बैठ के पर्सन इन्विटेशन आपको जारी करेगा जिसका खर्चा वो आपसे चार्ज करेगा। तो जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसके लिए काम करवाना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सीवी भेजिए अपना और क्या क्या वैकेंसीज में, और हम आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर आपके पास पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए 6 महीने के लिए। वैकेंसीज की बात करूं, यहाँ पर स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों वैकेंसीज आती है, टूरिज्म सेक्टर की यहाँ पे जॉब्स है, लेबर कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे जॉब्स है,
यहाँ पर एग्रीकल्चर की जॉब है, तो आप समझ सकते हैं कि मोटे लेवल में वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने आपको निचोड़ मोटा मोटा बता दिया, एक साल का वर्क परमिट यहाँ पे इश्यू होगा, वर्किंग टाइम जो उसने प्रोसेस टाइम बताया कम से कम 3 महीने में आपका काम यहाँ पे फाइनल हो जाएगा, कैंडिडेट जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मिनिमम आपको बताऊं तो 2.5 महीने, मैक्सिमम 3 महीने का टाइम यहाँ पे लेके चलना। और वर्क परमिट के यहाँ पे चांसेस बहुत हाई है, अभी बोस्निया की जो सरकार है वर्क परमिट दे रही है। आगे आता हूं, यहाँ पर बिजनेस समिट होने जा रहा है बहुत बड़ा, जो लोग यहाँ पर इन्विटेशन मंगवाकर बिजनेस वीजा पे जाना चाहते हैं वह भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैसे अपना बिजनेस वहां पे आपको सेटअप करना है, इसके लिए पूरी गाइडेंस हमारी ओर से आपको दी जाती है। टूरिज्म सेक्टर भी यहाँ पे बहुत बड़ा है, जो टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहते हैं वह भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग इच्छा है, कोई घूमने जाना चाहता है, कोई काम करने के लिए जाना चाहता है, तो वह सभी इच्छुक व्यक्ति हमसे संपर्क करें। नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, आपको सही राय दी जाएगी, खर्चा आएगा, ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आज के लिए ज्यादा चाहूंगा, बने रहिए लेटेस्ट खबरों के साथ, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि काम की इसमें श्योरिटी दोस्तों है एम्प्लॉयर की तरफ से आपकी, और श्योरिटी आपकी प्रोफाइल की होती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट जेनुइन है, अगर आपकी प्रोफाइल जेनुइन है, तो काम आपका 101% होगा। तो आज के लिए ज्यादा चाहूंगा, बोस्निया के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करो, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर लिखो, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, क्या न्यूज आपके पास लेटेस्ट आ रखी है, आपका कोई भाई बंधु विदेश में बैठा है, और भी कंट्रीज के हमारे पास बहुत जल्दी अपडेट आने वाले हैं, आपको पहुंचा दिए जाएंगे अपडेट। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करना आपका धर्म है दोस्तों। आज के लिए जाना चाहूंगा, बने रहिए लेटेस्ट खबरों के साथ। जय हिंद, जय।